अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है चिकन चीज़ ब्रेड रोल की। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू बॉईल करके इसको मैश करके रखी हूँ। 200 ग्राम मैंने चिकन को बॉईल करके रेशे रेशे करके रखी हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके रखी हूँ। अब यहाँ पर मसाले देखेंगे। अदरक मैंने बारीक चॉप करके रखी हूँ। 15 हरी मिर्ची ली थी, इसको भी बारीक चॉप करके रखी हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला ली हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने नमक ली हूँ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ली हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया वॉश करके मैंने बारीक चॉप करके रखी हूँ। और गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख चुकी थी और गर्म होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तेल गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो मैंने अदरक जो बारीक चॉप करके रखी थी उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से तेल के अंदर भून लेंगे। अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए जब तक कि उसको भूनना है। अब हरी मिर्ची डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इन तीनों को अच्छे से तेल में भून लेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि प्याज के अंदर जो पानी होता है वो सूख जाए। ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसके अंदर का जो पानी होता है प्याज का वो सुखा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से पानी इसका सूख चुका है। ऐसे ही चलाते रहेंगे और जो हमने चिकन रखे थे वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मसाले डाल देंगे जो हमने रखे थे। हमने सब डाल दिए इसके अंदर। जो जो मसाले हमने निकाल के आपको बताए थे वो मसाले हमने इसके अंदर पूरे डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। अब जो आलू रखे थे बॉईल करके वो भी डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को कद्दूकस भी करके ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉईल करके इसको मैश करके ली थी। अब यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो जब मसाले हमारे थोड़े ठंडे होने के बाद मैंने ये मोज़रेला चीज़ ली थी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। याद रखें जब आलू का मसाला जो हमने बनाए हैं चिकन का वो ठंडा होने के बाद इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड करना है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। यहाँ पर देखिए सब चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर आटा ली हूँ।
इसका एक गोल बना लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पानी से इसको अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। इसमें घाटी घाटी पड़ती है तो इसको हम अच्छे से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल बनाएंगे। जो तपेली से छिटकी थी नीचे नीचे मैंने उसको भी हाथ से अच्छे से इसको पूरा घोल बना ली हूँ। अब यहाँ पर ब्रेड है, ब्रेड के ये जो कोने हैं इसको कट कर लेंगे। पर मैं एक एक कर इसको कट करूंगी। ऐसे ही पूरे ब्रेडों के जो कोर होते हैं हम इसको अलग कर देंगे। बाद में इसका जो है क्रम बना लेंगे। अब हाथ में हल्का सा तेल लगाएंगे और इसको ऐसे लंबा लंबा शेप देंगे थोड़ा सा, और एक प्लेट में रख लेंगे सब ऐसे किसी तरीके से बनाकर। और ब्रेड को हल्का बेलन से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने हल्का हल्का बेल कर ली हूँ पूरे ब्रेडों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने रखे थे मसाला ब्रेड के अंदर लगाएंगे, रख लेंगे। फिर इसको साइडों से जो हमने घोल बना कर लिए थे वो डाल देंगे। मैंने ये मैदे के आटा भी थोड़ा सा इसके अंदर मिलाई थी कॉर्नफ्लोर के, इसमें जो हमने घोल बनाए थे ना उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदे का आटा भी ऐड करके इसका पूरा गोल बना कर ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये अच्छी खासी हमारी पैकेट बन चुकी है रोल की, तो इसको हल्का हल्का पानी लगाएंगे। ये देखिए, अब पानी नहीं लगाकर आप डायरेक्ट जो हमने गोल बनाए थे ना उसके अंदर पैक कर डिप करके डायरेक्ट क्रम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पानी लगाकर मैंने ये क्रम लगाई हूँ, तो आप जो हमने गोल बनाए थे मैदे का आटा और कॉर्नफ्लोर से तो उसमें डिप करके क्रम लगाइएगा, और आप ये बनाकर फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इतने सारे रेडी कर ली हूँ और कुछ मैंने फ्रिज में रख ली हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने के लिए रख चुकी थी,
तेल भी अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो हमको ये डिप फ्राई करके लेना है। तो मैंने इतना सारा तेल डाली हूँ, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डिप फ्राई ही करना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसको वापस इसके अंदर डालेंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका था। अब ये सब एक एक करके इसके अंदर डालेंगे और गैस को हम स्लो कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रेड रोल निकाल लिए हैं, ये कलर लेना है, इतना अच्छा कलर आया है और बहुत क्रिस्पी क्रंची बने हैं ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लो गैस पे ही इसको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये भी कलर कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन। बस इतना ही कलर लेंगे और इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है रोल को। मेरे ये दो रोल जो है ज़रा ज़्यादा गोल्डन हो चुके थे। तो अब मैं बाकी जो रोल बचे हैं वो भी इसी तरीके से पूरे फ्राई करके लूँगी। अब मैं इन सबको इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े इस शेप इसको इस तरीके से बना कर रखी थी, ये देखिए इस तरीके से शेप दी हूँ मैं, और इसको जो हमने घोल बना कर रखे थे इसके अंदर डिप करेंगे और क्रम लगाएंगे और फ्राई करेंगे। बाकी के मैंने फ्रिज में ना स्टोर करके रख ली थी। यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़े से मैंने फ्राई की हूँ और कुछ है ना मैंने हार्ट शेप के बनाई थी और स्टार शेप बनाई थी और गोल शेप बनाई थी। मतलब बच्चों को क्या इफ्तारी में खाने के लिए जो है ना इस तरीके से बना कर देंगे ना तो वो शौक से खाते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़े से इसको अलग अलग शेप की बनाई थी क्योंकि ये रमज़ान स्पेशल है, तो रमज़ान में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है बच्चों को खाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये प्लेट मेरी है ना, मैंने जो ब्रेड रोल बनाई थी ना वही थी इसमें निकाल कर रखी थी, तो मैंने वही प्लेट के अंदर ये भी रोल इसके अंदर ही रख रही हूँ। अब
देखिए यहाँ पर जो अलग अलग शेप में बनाई थी ना मैंने, वो उसको आटे में डिप करेंगे जो हमने गोल बना कर लिए थे, और ये क्रम लगाएंगे, इसको भी फ्राई करके लेंगे। मैं यहाँ हाथ यहाँ पर फ्राई भी कर रही थी और हाथ से बना बना कर डाल रही भी थी, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि किस तरीके से इसको करते हैं। अगर हम जब रमज़ान में तो बहुत सी चीज़ें बनानी होती है, तो जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से काम किया जाता है। अब ये देखिए ये स्टार शेप दिए हुआ था, देखिए बच्चों को इस तरीके से बना कर देने से ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं रमज़ान में। ये देखिए हार्ट शेप, इसको भी अभी हम आटे में यानी कि गोल में हम डिप करेंगे और क्रम लगा के इसको भी फ्राई करके लेंगे। यहाँ तो देखिए ये हार्ट शेप है और ये गोल शेप हमने जो बनाए थे, ये देखिए स्टार शेप में, तो इस तरीके से बच्चों को दिए जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चे कितने शौक से खा रहे थे, ये देखिए लोग कितना मज़ा आ रहा था खाने के लिए, ये देखिए लोग खा रहे हैं ऐसा निकाल निकाल कर। और यहाँ पर देखिए हमारे रोल बनके तैयार हो गए थे, चिकन चीज़ ब्रेड रोल। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कितने क्रिस्पी बने थे, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी आगे शेयर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।